नगर निकाय चुनाव तो हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है। प्रयागराज के मुस्लिम मतदाताओं ने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया था, हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मुस्लिम मतदाता हैं, इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया था इस बार। देखिए, हम लोग मेन मुद्दा हम लोगों का था साफ सफाई। हमारी बस्तियों के अंदर जो गंदगी है, साफ पानी नहीं आ रहा, लाइट की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट बुझी हुई है, सीवर लाइन के ढक्कन गायब हैं, आदमी रात को चलता है गिर जाता है, नाली बच बचा रही है और सीवर लाइन का पानी रोड पर आ जा रहा है, जिससे लोगों को चलने में जो है छिट्टे पड़ जा रहे हैं। कभी कभी बच्चे वहाँ खेलते तो गिर जाते हैं गंदगी में। बहुत बुरा हाल है बस्तियों का। रोड पे तो साफ सफाई आपको चमचमाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। महीनों से, कई सालों से गंदी पानी ऐसे आ रहे, बदबूदार पानी आ रहे, जिससे जल संस्थान से कई बार शिकायत भी की, लेकिन जल संस्थान और नगर निगम कुंभकर्णी नींद सो रहा है, वो जगने का काम ही नहीं कर रहा। खासतौर से मुस्लिम बस्ती, और कहीं भी होगा रोड रोड पे उसका काम तो बढ़िया होगा, लेकिन जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ पे जो है इतने बुरे हालात है, उसको कोई देखने को पूछता हाल नहीं है। वो तो बस ये है कि चल रहे हैं, वो हालात बने हुए हैं। और जो हम लोगों ने वोट दिया तो इसी मुद्दे पर सरकार बनाना बनाना है, नई सरकार बनानी है इलाहाबाद की, जो हमारे समस्याएं हैं उससे निजात दिलाए और बेहतर काम करे जनता के लिए, जनता के लिए बेहतर काम करे और जो भी गंदगी है उसको दूर करे। और साफ, सबसे बड़ी चीज है पानी साफ मिलना चाहिए। इधर कई दिनों से जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, क्योंकि किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को और बीमारियां हो रही हैं। और बहुत साफ सफाई मेन मुद्दा रहा, मेन मेन मुद्दा साफ सफाई का। नाम है, इरशादुल्ला, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद कुरैशी। आपने जब वोट किया था तो क्या मुद्दे रहे हैं दिमाग में? देखिए, पहली चीज तो हम मुस्लिम मेजोरिटी से आते हैं, तो अब किस प्रशासन और शासन ने मिलकर यह कार्य किया है कि मुस्लिम मतदाताओं को दूर रखा मतदान से, क्योंकि एक बदलाव की, जब मुस्लिम इकट्ठा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, तो क्षेत्र का एक बदलाव लाता है, एक प्रत्याशी को बदल देता है। तो अब की मुस्लिम मतदाताओं को दूर रखा गया है कि वो वोटिंग ना कर पाए। पूरे पूरे माहौल किस तरह से दूर किया? वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ, नाम था उनका था, जो कब्रों में सो रहे हैं, जो कब्रों में सो रहे हैं उनका नाम नहीं था, जो इस धरती पर टहल रहे हैं उनका नाम गायब था। वोटर लिस्ट से कुल मिला के नाम गायब कर दिया गया, नाम गायब कर दिया गया वोटर लिस्ट से। तो हम किन मुद्दों पर विचार करेंगे? हम साफ सफाई मुद्दा रहा होगा, और जो सड़कें हैं चौड़ीकरण और ये जो साफ सफाई होनी चाहिए उसका भी मुद्दा रहा होगा। हाँ, मुद्दा हम मुस्लिमों का यही था, मुस्लिम आबादियों में सबसे ज्यादा मुद्दा साफ सफाई, पानी की व्यवस्था का। हटिया में एक मोहल्ला ऐसा है, हटिया बकरा मंडी के ठीक पीछे, जहाँ विगत जो है 10-15 सालों से पानी के लिए मुसलमान तराई तराई कर रहा है। हमने लिखित शिकायत दी, उसके बाद सबसे कहा, लेकिन किसी ने कहा, क्योंकि आया सर्वे किया, जब देखा कि यहाँ पैसा लग रहा है, बजट लग रहा है, तो उन्होंने कार्य नहीं कराया। लेकिन आज मुस्लिम पानी के लिए परेशान है। दो बार की जो मेयर रही है अभिलाषा गुप्ता नंदी, उनका कहना है कि पूरा शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया, पूरा शहर साफ कर दिया गया, तो क्या ऐसा हुआ है? हाँ, शहर स्मार्ट हुआ है। आप गलियां देख लीजिए, शहर में गली भी आती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि गली नहीं आती है। आप गलियों में, आप खुद, आप तो एक प्रजातंत्र के तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से आप अपनी गलियों को दिखा दीजिए, देखिए कितना विकास हुआ, एकदम चमचमा रही है गलियां, कि आदमी वहां पर रात में अगर जो है 12-1 बजे रात में सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दे तो मिल जाएगा, इतनी चमचमा रही है, इतना ज्यादा विकास हुआ है, गलियों का विकास खूब हुआ है। आप देख लीजिए, गलियां बच बजा रही, बदबूदार गलियां हैं, गलियों में सीवर लाइन है, सीवर लाइन ऊपर से फ्लो हो रही है, बहुत सी समस्या है पानी की, लाइट की, ये वो तार जर्जर है, तार ऊपर नहीं हो रहे हैं। एक कंप्लेन अगर किसी मकान में, जर्जर मकान में एक खंबा अगर बिजली विभाग ने लगा दिया है, उसको निकालने के लिए कह रहे कि निकाल दिया जाए, क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे एक घटना घट जाएगी उसको नहीं। तिलक रोड पे एक तार बिजली का आज भी रोड पे लटक रहा है, उससे कई मतलब शिकायत की गई कि उसको हटा दीजिए, विकास हुआ है। अच्छा, अभी हाल में ही अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर हुआ था, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है इस चुनाव के दौरान ये हत्या हुई थी? नहीं, फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा, हत्या सही हुई है या गलत हुई ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं दिल में थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो यह जो तीन अपराधी पकड़े गए, पहली चीज तो 5 अपराधी थे, तीन अपराधी जो पकड़े गए, क्या इनका इतिहास खंगाला गया कि इनके पास पिस्टल कहाँ से आई थी, इनको कौन लाया था, किसके माध्यम से हत्या हुई? देखिए, बुरा काम करेगा उसका अंजाम यही है, लेकिन उन उन अपराधियों को भी तो मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिन अपराधियों ने यह घटना की। आज आज हम छोटा सा कार्य कर देंगे, हमारा खानदान, बाप दादा का खोद लाया जाएगा, लेकिन उन अपराधियों को भी इतिहास खंगाले
जनता के बीच में लाएं कि हत्या की मेन वजह मुख्य कारण। अच्छा, वो तो सरकार जांच कर रही है, लेकिन क्या उससे नगर निकाय चुनाव में कोई फर्क पड़ा है मतदान? हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। पूरा मुस्लिम मत एक तरफा जो है क्या नाम है होके दिया है, ऐसा नहीं है, मुझे फर्क पड़ा है, बहुत पड़ा है। क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पर लेकर मतदान हुआ है? किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? ये साफ सफाई के मुद्दों को लेकर अभियान किया है, जो कि हमारे वहाँ पानी वगैरह की बहुत गंदा पानी आया सीवर लाइन से मिलकर, इसी वजह से हमने आज आपकी पार्षद को बदलने का काम किया है। बिल्कुल, साफ सफाई को लेकर के इन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुब्बू। क्या मुद्दे रहे होंगे मतदान के दौरान? हम लोग का मुद्दा है कि साफ सफाई नहीं होती है, गली उल्ली के अंदर सीवर उवर बहता है, उसके बाद आने जाने में दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और सबसे ज्यादा जो गली में बदबू आ रहा है, गंदा पानी बह रहा है, आने जाने में परेशानियां बढ़ती हैं, कोई जा नहीं पाता, बच्चे नहीं जा पाते, गिर जाते हैं नाले में, गिर जाते हैं, वहाँ नहीं सफाई होता। बाकी साफ सफाई मुद्दा रहा है। साफ सफाई मुद्दा रहा। क्या नाम आपका? जी चांद बाबू। चांद बाबू, क्या लग रहा है कि मुद्दा साफ सफाई करा है और कुछ भी मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? मुद्दों के ये लेकर साफ सफाई हुआ है, मतलब साफ सफाई तो हुआ है, मगर जो गंदगी फैली हुई है गली के अंदर क्षेत्र में, हटिया बकरा मंडी बहादुरगंज, बहुत गंदगी है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, इन मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया है अपने विकास को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर के, ताकि नगर की सफाई हो सके, और ये मुस्लिम मतदाता नगर की सरकार चुनने के लिए इन्होंने मतदान किया है। रिजल्ट की बारी है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।